अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहिन सुल्ताना। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पानी पूरी का पानी और जो हम उसका मसाला होता है वो बना रही हूँ। और मैंने जो पूरियाँ बना ली हूँ वो रेडीमेड है। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं जो इंस्टेंट बनने वाला है। ये बिगिनर्स और बैचलर्स के लिए है। जो जब भी पानी पूरी अगर खाना का मन करे तो घर पर इस तरह से आप झटपट बनाएं इंस्टेंट और खाएं। तो इतना इजी है। और मैंने मीठी चटनी की रेसिपी पहले ही अपलोड करी हुई हूँ, तो आप मेरे चैनल पे उसे भी देखकर सीख सकते हैं, मैंने शेयर किया है। तो देखिए, इतनी माउथ वाटरिंग ये पानी पूरी बनकर रेडी हुई थी। स्ट्रीट स्टाइल में मैंने बनाया है पानी और इसका मसाला। तो चलिए, ये पानी पूरी हम आज अपने घर पर ठेले वाले की जैसी बनाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले देखिए, मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिया है, यानी ये 250 ग्राम आलू है। और ये मटर है, मटर मैंने 100 ग्राम से ज़्यादा लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, दो हरी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा। ये डालकर इसे हम अगर पकाएंगे यानी गलाएंगे तो ये बहुत खुशबूदार और बहुत टेस्टी होता है। मैंने स्ट्रीट वाले से सीख कर बनाया है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च के दाने भी डाला है इसमें, 4 से 5, ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे से उभर कर आए। इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालकर इसे चढ़ा दूंगी 3 सीटियों तक, और चौथी सीटी हम खोलेंगे नहीं, वही बंद रख देंगे, उसमें ही इसे अच्छे से और गलने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं इसे गलने के लिए 3 सीटी पर। तो देखिए, 3 सीटी हो चुके हैं, 4 सीटी, 3 से 4 सीटी हो चुके हैं। तो आलू देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गल चुके हैं। मैंने चौथी सीटी पर, तीसरी सीटी के बाद उसी भाप में मैंने छोड़ दिया था कुकर को, तो इसलिए इतना अच्छा सा ये एकदम सॉफ्ट और टेंडर बनकर रेडी हुआ है। देख सकते हैं आप, इसके जो मटर होते हैं वाइट वाले वो भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, जो ठेले वाले के पास होते हैं उसी तरह से मैंने इसे गलाया है। तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे हम एक बाउल लेकर। हमने आलू डाला है, इसके बाद में हमने ये जो मटर है वो डाला है, और जितने भी खड़े मसाले वो चुनकर आप ऐड कर लीजिए। और अब इसमें डालेंगे हम काला नमक, मिर्च का नमक मैंने आधा टीस्पून लिया है, और मिर्च मैंने 1 टीस्पून लिया है, रेगुलर वाली मिर्च है। नमक सादा नमक, जो हम रेगुलर वाला नमक यूज़ करते हैं, तो वो नमक मैंने आधा चम्मच लिया है, टीस्पून। और ये चाट पाउडर 1 टेबल स्पून भर कर लेना है, इससे महक बहुत अच्छी आती है। तो मैंने 1/2 टीस्पून जीरा, भुना कीटा जीरा पाउडर लिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून, इससे डाइजेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है एवरेस्ट का। अब इसमें जाएगी ये चॉप करी हुई प्याज, प्याज हम आधा लेंगे इसमें। और ये है, मैंने 1 गाजर मीडियम साइज़ का लेकर इसे कद्दूकस कर लिया था, वो भी मैंने डाला है। और ये चॉप करे हुआ टमाटर है, टमाटर मैंने एक बड़ा टमाटर लेकर इसे चॉप कर लिया था। अब इसमें जाएंगे पुदीने के पत्ते और हरा धनिया, 1-1 मुट्ठी डाल दीजिए, इससे भी बहुत फ्रेशनेस मिलेगा आपको। तो सेम टू सेम मैं एज इट इज़ ठेले वाले के जैसा बना रही हूँ, जो स्ट्रीट स्टाइल में, तो वही सीख कर मैं ये बना रही हूँ। इतना टेस्ट बना था कि ये पूछिए मत। तो ये पूरियों के लिए रेडी हो चुका है मसाला पानी पूरी का। तो चलिए, अब हम इसके बाद पानी बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत इजी है गाइस, इतना इजी, इतना मोट पता नहीं। अब इसके ऊपर मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे गार्निशिंग कर लूँगी, ताकि थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल में लगे और देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने का भी मन बहुत करता है। तो इस तरह से अब हम इसे हम सेट करेंगे एक प्लेट में, प्लेटिंग कर लेंगे अच्छी सी। तो अब इसके ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हम प्याज डालते हैं,
उसके ऊपर हम डालेंगे गाजर घसा हुआ, ये घिसा हुआ गाजर अब बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है रहती है इससे। अब इसके ऊपर डालेंगे टमाटर जो हमने चॉप करा हुआ बचा कर रखा था। अब इस पर हम डालेंगे फिर से प्याज, थोड़ी सी प्याज की क्रंचीनेस बहुत अच्छी लगती है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, तो देख सकते हैं आप कितना यमी और ये टेस्टी लग रहा है, जैसा स्ट्रीट स्टाइल में मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया मैंने एक बंच पूरा लिया है, इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, पुदीने के पत्ते 1 मुट्ठी और अदरक 1 इंच का मैंने इसमें कट कर कर रख लिया है। अब इसमें जाएगा ये इमली का पल्प, इमली का पल्प मैंने 1 छोटी कटोरी भर कर लिया है, गाढ़ा एकदम थिक वाला। अब इसमें जाएगा काला नमक, जीरा पाउडर, भुना कुटा जीरा पाउडर मैंने लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसमें 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। और गुड़ थोड़ा सा हम लेंगे, यही कोई 10 ग्राम कटोरी बता। अब इसमें डालेंगे ये चाट पाउडर 2 टेबलस्पून भरकर, और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून ले लीजिए काला नमक, थोड़ा सा हम सफ़ेद नमक भी डालेंगे। चलिए इसे हम अच्छा सा पीस लेते हैं। तो देखिए ये पीसे जा चुका है, इसे छन्नी कर कर एक बॉल में हम निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से छन्नी कर लीजिए। इस तरह से एक स्पून ले लीजिए, आपको जल्दी होगा ड्रेन करने में, इस तरह से छन्नी करने में। तो देखिए ये मैंने छन्नी कर लिया है। अब इसमें हम पानी इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप जितना चाहे उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा मैंने इसमें सिट्रिक एसिड के दाने भी डाला है, 2 से 4, जो नींबू साल्ट कहते हैं, नींबू साल्ट कहते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाला है, ये अच्छे से टेस्टी हो चुका है। अगर नमक कम लगता है तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था। अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए। तो देखिए पानी एकदम बराबर हो चुका है, ना ये थिक है ना तो ज़रा लूज़ है। तो देखिए इस तरह से जैसे कि पानी पूरी वाले के पास पानी मिलता है, उसी तरह का ये पानी बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे साइड करते हैं, अगर चाहें तो आप इसमें बूंदी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हैदराबाद में बूंदी नहीं डालते हैं पानी में। तो अब मैंने ये रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ पानी, ये पूरी तो ये कहीं भी आपको मॉल में मिल जाएगा, मैंने ये डीमार्ट से लिया था। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम रखकर हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने खुले खुले बनकर रेडी हो रहे हैं, है ना स्टेन बनकर ये रेडी होने वाली डिश। तो आप ज़रूर गाइस इस तरह से बनाइए बैचलर, और जब भी हमारा मन करे खाने का तो इस तरह से आप झटपट बनाएं और सर्व करें, खाएं और खिलाएं। तो देखिए इस तरह से ऊपर नीचे कीजिए इसे, बस कितने खुले खुले बनकर ये, जैसा कि पानी पूरी के पास होता है, पानी पूरी वाले के पास स्ट्रीट स्टाइल में जैसे सेम टू सेम वैसे ही बनकर रेडी हो रहे हैं गैस। तो सारे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे, तो है ना कितना आसान गैस, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारा जेब खर्ची भी बहुत सारी बच जाएगी। जितना हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं उतने उससे भी कम बजट में हमारे घर में बहुत सारे बनकर भी रेडी होते हैं और खाने को भी ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए इस तरह से सर्व किया है,
तो देखिए कितना ये बनकर रेडी हो चुका है हमारी पानी पूरी, मसाला और पानी। इसके साथ मैंने मेथी चटनी और शाव रखा है। तो गाइस खाइए, खिलाइए, अपने परिवार को खुश रखिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।